गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज फिर से हम एक नया वीडियो बनाएंगे और जो नया वीडियो होगा हमारा वो हमारा होगा, हमने अभी तक लगभग 20 से 25 वीडियो बना दिया है जिसमें हमने निश्चित समाकलन तक का फार्मूला बता दिया और गामा फंक्शन के बारे में भी कुछ बताया था। फिर से हम सोच रहे हैं कि गामा फंक्शन के फार्मूले को बता दें और उसके बाद कुछ और देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये करें, तो हम गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि गामा फंक्शन हमारा जो था उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या प्रॉब्लम आती थी। हम गामा फंक्शन के बारे में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि गामा फंक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था, जो मेथड था, कैसे हमारा गामा फंक्शन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, 0 to π/2। क्वेश्चन है 0 to π/2 साइन 0 to π/2। क्वेश्चन हमारा रहेगा 0 to π/2 क्वेश्चन है cos 5x sin 4x cos 5x sin 4x dx। क्वेश्चन क्या है, cos 5x into sin 4x dx। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का यूज हम करेंगे जो कि ऊपर हमने फार्मूला बताया था। फार्मूला था 0 to π/2 sin mx cos mx dx sin mx cos mx dx। अब अगर इतना करते हैं तो गामा m प्लस 1/2 होगा गामा m प्लस 1/2 अपान फार्मूला होता है 2 गामा m प्लस 1 प्लस 2 2 into γ m plus 2 by 2। सेम काम यही करेंगे कि इससे कंपेयर करते हैं, तो अगर हम कंपेयर करते हैं कितने हैं इंप्लाई है 0 to π/2 और cos 5x और sin 4x dx। अब हम m के जगह पे 5 रख देंगे, वही मान यहां पे इधर हो जाएगा। अगर हम रखते हैं तो ये होगा गामा d 5 प्लस 1 by 2 और गामा 4 प्लस 1 by 2 अपॉन तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा कि 3 π/2 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम करेंगे कि होगा हमारा ये 5 और 1 छूट जाएगा, ये हो जाएगा गामा 3 π/2
और फिर गामा फाइव बाई फोर अपॉन ये टू टू कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा गामा टू इंटू गामा इलेवन बाई टू इंटू इलेवन बाई। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने गामा का वैल्यू कैसे रखा और इसको हम कैसे सॉल्व किया, ये चीजें आपको समझ। अब इसको तोड़ने का जो तरीका है, तो तोड़ने का तरीका है वो जो है हमारा कि अगर ये हमारा 3/2 है, अगर हमारा 3/2 है तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारा ये आगे बढ़ा लेते हैं ये 3/2 है सॉरी केवल 3 है, अगर हमारा 3 है तो 3 है तो हो जाएगा 2 × 1 तो ये होगा हमारा 2 × ये तो हो गया हमारा 2। अगर 5/2 है तो 3/2 फिर 1/2 और मल्टीप्लाई तो होगा 3/2 1/2 और अब 2 × 1 3/2 1/2 रूट और ये हो जाएगा हमारा 2 × 11/2 को हम लिख सकते हैं 9/2 7/2 6 9/2 7/2 9/2 7/2 5/2 3/2 5/2 3/2 और 1/2 1/2 अब इसमें देखेंगे ये 5 मिलेगा, ये 1/2 1/2 3/2 3/2 ये टू ये टू कटेगा और ऊपर हमारा ये 2 × 2 = 8 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8/3 × 2 3/5 8/5 तो हमारा चलो ये लिख दे रहे हैं, जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 8/8/3/1 और यही हमारा आंसर 8/3/1 करने का मतलब हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने cos 5x sin 4x है तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, इस फार्मूले का यूज किया जाता है, जो ये फार्मूला है उसका हम यूज करते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे हमको रखना है और रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये न्यूमेरिकल वाला हमारा सॉल्व होता है। हम जैसे ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा न्यूमेरिकल बेस हो जाते हैं, ओनली इंटीग्रेशन का हो के भी न्यूमेरिकल बेस हो जाते हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपको लगेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ना होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद आप देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा, तो ना होगा फिर से हम इस पे दूसरा वीडियो बना देंगे, अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो दूसरा वीडियो हम बना देंगे, इसको देख लें और इतना करने के बाद फिर से हम दूसरा बताने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर दूसरा जो कि हमारा उस पे रहेगा दूसरे वाले फॉर्मूले पे रहेगा। ठीक है,
इसी क्रम में हम फिर से एक आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। एक नया क्वेश्चन, जैसे ये थ्री टाइप तीन टाइप्स के हैं, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को बता सकते हैं। क्वेश्चन है 0 टू पाई बाय 2 cos 8x dx, 0 टू पाई बाय 2 cos 8x dx अब इसको तोड़ने के लिए वही काम करेंगे कि आप तो ये भी लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 sin dx cos 8x dx। sin 0 की वैल्यू हमारी 0 होती, 1 होती है, तो और सीधा सा आप सॉल्व कर सकते हैं क्या कि गामा 0 प्लस 1 बाय 2 और गामा 0 प्लस 8 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 और 8 प्लस 1 8 प्लस 8 प्लस 1 by 2 upon 2 gamma m plus m 0 plus 8 plus 0 plus 8 plus 2 by 2। अब इसमें ये होगा, ये हो जाएगा हमारा गामा 1 by 2 और गामा 9 by अपान ये 2 हो जाएगा 2 into 11 by। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, सेम जैसे कि ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसके बाद वही काम करेंगे जो कि हमने आपको बताया। काम यही करेंगे कि एक एक की वैल्यू हम रखेंगे, अगर हम 1 by 2 है तो इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 by 2 को हम क्या करेंगे रूट पाई कर देंगे, और रूट पाई कर देंगे अगर 9 by 2 है तो हो जाएगा 7 by 2, दिखाई दे रहा है 7 by 2 फिर होगा 5 by 2 फिर होगा 3 by 2 और 3 by 2 उसके बाद 1 by 2 रूट पाई into 1 by 2 ठीक है। उसके बाद नीचे जो होगा वो हो जाएगा 2 into 9 by 2 into 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into root 5। अब चीजें देखें कि क्या क्या हमारा करता है, ये 3 by 2 1 by 2 1 by 2 5 by 2 5 by 2 ये चीजें हमारी। अब बचा ये ये 2 से 2 बट गया और एक तरफ से हम देखेंगे तो बचेगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट पाई, थोड़ी सी गलती हो गई, ये 8 टू 10 होगा तो करना ये होगा, जब 8 टू 10 होगा ये हमारा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, 1 by 2 को हम 5 लिख सकते हैं, हम 9 by 2 को 7 by 2 multiply 7 by 2 multiply 5 by 2 multiply 3 by 2 multiply 1 by 2 multiply root 5 अपान और ये हो गया 2 और गामा 5 ठीक है। गामा 5 को हम लिख सकते हैं, गामा 5 होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 into 3 into 2 into 1। अब हमारा जब होगा तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 upon 256 by एक एक चीज को जब सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो अगर ये cos 8x में कभी घबराने की बात नहीं है, sin 0 रख के हम वैल्यू को निकाल लेंगे, और अगर आपको कहीं कहीं ये हो सकता है 0 टू पाई बाय 2 अगर साइन
8x dx के लिए वही काम करेंगे जो इससे ये दोनों का सेम होगा, केवल यही अंतर होगा कि अब यहां पे का 0 रख के उसका बदल दें। तो कहने का मतलब ये है कि इसके एक-एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे तो हमें लगता है एक मतलब कि इसके दो ही तीन ही क्वेश्चन को देख लेंगे तो हमें लगता है कि आप जितना मैक्सिमम होगा उतना क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब उसके आगे हम यहीं पे छोड़ रहे हैं और मैं जहां तक जानता हूं कि आप गामा फंक्शन अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। और अब हम आगे के चैप्टर के बारे में डिफाइन करेंगे, और रही बात आगे का चैप्टर जो होगा उसके समाकलन के अनुप्रयोग, अभी तक हमने आपको पहला यूनिट का लगभग पहले यूनिट में एक एक चीज बता दिया। पहले यूनिट में हमने इंटीग्रेशन बता दिया, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट बता दिया, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बता दिया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन बता दिया, और सम स्पेशल इंटीग्रेशन बता दिया, और दूसरे यूनिट में हमने डेफिनेट इंटीग्रल बता दिया। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में एक एक चीज को बताया जाएगा जिसको आपको देखना होगा, जिससे कि आप कन्फर्म हो जाएंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग में हमें क्या करना है। पर समाकलन का जो हमारा लंबा चैप्टर है, लेकिन खत्म तो इसको भी करना है, तो अदरवाइज अगर हम इसको नहीं खत्म करेंगे फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये हम समाकलन का उपयोग अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि अगले वीडियो में समाकलन का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे होगा, तो हमारा काम बनेगा। अब रही बात आगे वाले वीडियो में, ऐसे ही इस वीडियो में तो हमने जितना मैक्सिमम था ये खत्म कर दिया, अब अगले वाले वीडियो में कुछ हम देखेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपको इस वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में मेरे प्रॉब्लम आ रही है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वो नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो कन्फर्म है मैं वीडियो को देखूंगा और एक नया वीडियो उस पर बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगले वाले वीडियो में मैं कंफर्म है कि सातवां चैप्टर पढ़ाऊंगा। सातवां चैप्टर हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा ये थ्योरेटिकल हो जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए, और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि आपको आपको चीजें समझ में आएगी, जिससे कि एक एक चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।